दोस्तों, किसी देश की करेंसी को जानने के लिए हम गूगल सर्च करते हैं, जिससे हमारा नेट और टाइम दोनों वेस्ट होता है। कितना अच्छा हो अगर हम बिना इंटरनेट के और कम समय में किसी भी देश की करेंसी को कुछ ही सेकंड्स में जान लें। क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मुमकिन है। आज मैं आपको एक ऐसी ऐप्स के बारे में बताऊंगा जो पहले से ही हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होती है और बहुत ही कम लोगों को यह पता होता है। तो आइए देखते हैं वह कौन सी ऐप्स होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें आना होगा अपने कैलकुलेटर में। दोस्तों, आम तौर पर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल जोड़ घटाना या भाग के लिए करते हैं, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और भी होता है, और वह क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर आइए, कैलकुलेटर के बाद यहाँ पे ऑप्शन है एक्सचेंज रेट का, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, इंडियन रुपीस एंड मैक्सिकन। अब हम अपने देश की करेंसी को यहाँ किसी अदर कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं, तो मैं इंडियन रुपीस का 100 रुपये लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हमारे जो इंडियन रुपीस हैं वह मैक्सिकन में, यानी जो मैक्सिको होता है उस वहाँ पर 27 रुपये में चलेगा। अब किसी अदर कंट्री का लेते हैं, इसे देखते हैं डॉलर में क्या होता है, यूएस डॉलर। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है हमारे इंडिया के जो 100 रुपये हैं वो यूएस में 1.03 रुपये के बराबर है। ठीक है, और कोई कंट्री लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ बांग्लादेश लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे देश की करेंसी ज़्यादा है, अगर हम अपने देश के 100 रुपये बांग्लादेश में खर्च करते हैं तो वह 115 रुपये चलेंगे। अदर देखते हैं, नेपाल लेते हैं, नेपाल रुपीज़, देखिए हमारे देश के जो पैसा है वो नेपाल में 160 रुपये के बराबर है। देखते हैं पाकिस्तान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान से हमारा रुपया ज़्यादा है, यानी हमारे 100 रुपये और पाकिस्तान से 236 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं सबसे ज़्यादा है हमारे देश की कीमत, जो हमारे देश का पैसा है सबसे ज़्यादा किस देश में चलता है, वो ब्राज़ील में देखते हैं। सॉरी, ब्राज़ील में तो 7 रुपये पे ही चलेगा। बर्मा में देखते हैं, वाह 100 रुपये। यहाँ पे हमारे जो 100 रुपये हैं वो 2388 रुपये में चलेंगे, यानी हम 100 रुपये अगर ले जाते हैं बर्मा में खर्च करते हैं तो वह 2388 रुपये के बराबर कीमत लगता है। और किसी देश का देखते हैं, चाइनीज़ में देखते हैं क्या बताता है। अरे यहाँ पे तो 8 रुपये के ही बराबर है, 8 रुपये कम है पैसा हमारा। ईरान में देखते हैं,
इराकी दिनार। तो इराकी दिनार यहाँ भी हमारे देश का पैसा जो है बड़ा है। अगर हम 100 रुपये वहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 1963 रुपये और 50 पैसे के बराबर है। कोलंबिया 5213। दोस्तों सबसे ज़्यादा तो मुझे यही लग रहा है। इसमें खैर बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो आप एक करके सबको देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने देश की करेंसी को किसी भी देश की करेंसी से चुटकियों में पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, जिसे अपने गुणा भाग के अलावा एक किसी देश की करेंसी को जानने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।